हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी आज की कहानी है मायके की साड़ी। बहू, बुरा मत मानना, अपनी माँ को बता देना कि हमारा टेस्ट कैसा है। तुम्हारी माँ की पिछली बार भेजी हुई साड़ी हमें काम वाली को देनी पड़ी। कम से कम हमारा स्टेटस तो देखकर गिफ्ट भेजती ना, या गिफ्ट न भेजे, हमें किस चीज़ की कमी है। सुधा जी अपनी बड़ी बड़ी आँखें घुमाते हुए शिकायत भरे लफ्जों में अपनी बहू सुमन को बोल रही थी। सुमन अपनी सासू माँ की बातों को सिर्फ सुन रही थी और चुपचाप अपनी कीमती साड़ियों सूटों को समेट कर बैग में पैक कर रही थी। कल वह अपने मायके जा रही थी, वह भी अकेली। वहाँ उसकी बचपन की सहेली की शादी थी। वैसे तो उसकी सहेली ने उसके पति को भी आमंत्रित किया था, पर सुमन ने शादी का कार्ड छुपा लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका संपन्न और शहरी पति उसके ग्रामीण परिवेश वाला निम्न मध्यम वर्गीय मायके जाए और वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड पर हंसे, उनका मजाक उड़ाए। पिछली बार जब रमन उसके साथ उसके मायके गया था तो वहाँ का परिवेश और लोगों के व्यवहार देखकर असहज महसूस कर रहा था। घर में लगी मच्छरदानी, ओल्ड मॉडल का बाथरूम और बरामदे पर लगी खाट, जिस पर मोहल्ले के कई लोग सामाजिक मुद्दों पर बहस करते दिखते थे, ये सब उसे असहज लगता था। इसके अलावा एक दिन का वाकया जिसमें उसके कमरे में बिना इजाज़त के मोहल्ले की भाभी घुस गई थी और उनके बिस्तर पर बैठकर उनसे हंसी मजाक करने लगी थी, उसे और ज़्यादा असहज कर दिया था। वैसे गांव में ये आम बातें होती हैं, वहाँ के लोग अत्यंत भोले होते हैं। वहाँ मोहल्ले की भाभी सभी की भाभी होती है और मोहल्ले के जीजा भी सभी के जीजा होते हैं। कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। पर शहर में पले बड़े रमन उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वापस घर पहुँचते ही अपनी माँ को सारी कहानी बता दी और उनकी माँ ने ये बात आग की तरह फैला दी। अब जब भी जिसे भी परिवार में मौका मिले वह यह वाक्य की चर्चा कर खूब हंसते। तभी से सुमन ने सोच लिया था, जब तक बहुत ज़रूरी न हो तब तक वह रमन को लेकर अपने मायके नहीं जाएगी। कहाँ खो गई हो सुमन, बैकपैक हो गया तो चाय भी पिला दो, वैसे भी कल से आया कि हाथों की चाय पीनी पड़ेगी। रमन ऑफिस से घर आ चुका था और ड्राइंग रूम से उसे आवाज़ लगा रहा था। अभी आई बोलकर सुमन ने पैक किए बैग्स को साइड रख दिया और किचन में पकौड़े के साथ चाय भी बनाने लगी। उसे हाथ में चाय के साथ पकौड़े लिए देखकर रमन मुस्कुरा पड़ा और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए बोला, मायके जा रही हो, कुछ चाहिए भी? अपने लिए कुछ नए कपड़े, नए जेवरात, या फिर सहेली के लिए कुछ कीमती उपहार? वैसे अगर तुम्हारी सहेली मुझे बुलाती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिल लेता। अगर तुम कहो तो कल की छुट्टी लेकर तुम्हें वहाँ गाड़ी से मैं छोड़ाऊँ। अरे उसकी क्या ज़रूरत, 6 घंटे का सफ़र है, ड्राइवर तो जा रहा है साथ में, मैं मैनेज कर लूँगी। और रही बात कपड़ों की, तो पहले से मेरे पास मेरी शादी की रंग बिरंगी साड़ियाँ और जेवरात रखे हैं, वही पहन लूँगी। बस एक रेशमी साड़ी आप मुझे मंगवा दो बारात के दिन पहनने के लिए, सुमन मुस्कुराकर बोली। सुमन की फरमाइश पर रमन ने मोहल्ले की साड़ी स्टोर से एक खूबसूरत सी रेशमी साड़ी खरीदकर उसे दे दी। अगले दिन सुमन अपने मायके रवाना हो गई। शादी के 8 महीने होने को थे पर सुमन अभी तक ससुराल में खुद को अकेला महसूस करती थी। इसकी वजह शायद दोनों परिवार के हैसियत में जमीन आसमान का फ़र्क था, या फिर सुमन का मितभाषी होना। सुमन अपने पति से यह भी बोल नहीं पाती थी कि उसके मायके की छोटी छोटी बातें सभी के सामने मजाक का विषय बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी सासू माँ का तकिया कलाम था कि इसके मायके में एक यही सुमन है जो हमारे परिवार के लायक है, वरना हम ऐसे परिवार में अपने बेटे को न ब्याहते। सुमन को ऐसी बातों से बहुत कष्ट होता। अगर उस परिवार की लड़की को आपने बहू बनाया है तो फिर वह परिवार उपहास का पात्र क्यों, लेकिन उसकी चुप्पी की वजह से कोई उसके हृदय भाव को समझ नहीं पाता। रमन ने कई बार कोशिश की कि सुमन उससे खुलकर बात करे, पर सुमन हाँ ना में जवाब देकर चली जाती। रमन उसकी संकुचाहट को उसके ग्रामीण परिवेश का होना समझता था। सुमन और रमन की शादी रमन की बुआ ने करवाई थी। सुमन का सौंदर्य और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्होंने अपने भतीजे के लिए उसे चुना। सुमन सर्वगुण संपन्न लड़की थी जिसने ब्याह के बाद तुरंत ही ससुराल में सभी का दिल जीत लिया था। सुमन भी वहाँ खुश थी, सभी उसे प्यार करते थे, परंतु उसे बात बात में अपने मायके का उपहास बर्दाश्त नहीं होता। उसके ससुराल वाले के लिए उसका मायका नॉन एक्सटेबल था, जिसे वह दुखी और शांत रहती थी।
रमन बहू का फ़ोन आया था कि वह 2 दिन से वापस नहीं आ पाएगी। वह कुछ दिन वहाँ रहना चाहती है। मैंने भी कहा ठीक है, रह लो, आखिर मायका है तुम्हारा। वैसे अब तुम्हें इतनी सुविधाओं की आदत लग गई है कि खुद वापस आ जाओगी कुछ दिनों में। रमन के ऑफिस से आते ही उसकी माँ बोली। माँ की बातों को सुन रमन असमंजस में पड़ गया था। आज सुमन की सहेली जिसकी शादी थी उसका फ़ोन आया था। वह उसे शादी में नहीं आने का उलाहना दे रही थी। उसने शादी के कार्ड पर उसके पूरे घर वाले को आमंत्रित किया था। सुमन से रिक्वेस्ट भी किया था कि कोई न आए तो कोई बात नहीं, अपने पति को अपने संग जरूर शादी में लाना। जबकि सुमन ने उससे सारी बात छुपाई और झूठ बोला कि उसकी सहेली ने उसे आमंत्रित नहीं किया और आज अचानक से वहाँ रुकने के लिए फ़ोन कर दिया, जबकि उसे पता है कि कल उसका और मेरा हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम है। फ़ोन वह मुझे भी कर सकती थी। सैकड़ों सवालों के साथ रमन खाना खाकर सोने चला गया। उसने बिस्तर पर जाने के बाद सुमन का फ़ोन मिलाकर उससे बात करनी चाहिए, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। सुमन का इस तरह से झूठ बोलना और उससे बातें छुपाना रमन को परेशान कर रहा था। 1 सप्ताह बीत गया पर सुमन का कोई फ़ोन कोई समाचार नहीं आने से रमन और उसका परिवार परेशान हो गया। सुमन के घर का लैंडलाइन भी बंद था और उसके पिता का मोबाइल भी बंद था। रमन की माँ खुद वहाँ जाकर उसे वापस लाने की बात बोलने लगी। रमन ने उन्हें मना करा और ऑफिस में से छुट्टी अप्लाई कर दी और खुद वहाँ जाने की तैयारी में लग गया। इसी बीच उसे याद आया कि सुमन की सहेली के मोबाइल नंबर पर बात किया जा सकता है। सुमन की सहेली से बात करने से रमन के पांव तले ज़मीन खिसक गई। सुमन शादी में डांस करते हुए गिर गई थी, उसके पांव में चोट लगी थी। सुनते ही आनन फानन में रमन अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही वह सुमन पर बहुत नाराज हुआ और तुरंत ही उसे अपने साथ वापस लेकर आया। घर जाने से पहले वह उसे हॉस्पिटल लेकर गया। सुमन के पाँव में सिर्फ चोट नहीं थी, उसका पाँव फ्रैक्चर था। गांव के डॉक्टर ने सिर्फ गर्म पट्टी बांधकर उसे रखा था। जब सुमन हॉस्पिटल से आई तो घर के सदस्य उससे काफ़ी नाराज़ थे। बात फिर वहीं आकर रुकी कि सुमन के मायके में किसी को औपचारिकता निभाना नहीं आता। सुमन गिर गई, बीमार थी तो उनके माता पिता की जिम्मेदारी थी कि हमें सूचित करें, और अगर सुमन बताने से मना कर रही थी तो उसके इस व्यवहार का कारण पूछा जाए। हद हो गई, सुमन ने कॉल करके भी मुझे झूठ बोला। उसे हमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमें वह अभी तक पराया मानती है, कभी खुलकर बात भी नहीं करती। समझ में नहीं आता हमसे कहाँ गलती हो गई कि हमारी बहू शादी के 8 महीने बाद भी हमें पराया समझती है, वगैरह वगैरह। सुमन की सास बड़बड़ाने लगी। अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे माँ, सुमन को ठीक हो जाने दो। गुड़िया जाओ, भाभी का ख्याल रखो, और गुड्डू तुम सुमन को उठने बैठने में मदद किया करना। रमन ने मुद्दे में दखल अंदाजी कर बातों को वहीं रोक दिया, लेकिन वह भी सुमन से उसके झूठ बोलने का कारण जानना चाहता था। इसी बीच सुधा जी ने अपनी शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा रखवाई। पूजा पर पंडित जी के साथ वह और उनके पति भी बैठे। पूजा में नए कपड़े पहनने थे इसलिए उन्होंने सुमन के मायके से आई हुई साड़ी जो वह इस बार वो लेकर आई थी पहन ली। इतने दिनों में पहली बार सुमन के मायके की साड़ी उन्हें पसंद आई थी। पूजा में सुमन को भी व्हील चेयर पर बैठा कर रमन लेकर आया था। मोहल्ले की स्त्रियां भी पूजा में सम्मिलित होने आई थी। पूजा संपन्न के बाद सुधा की पड़ोसी बोल पड़ी, इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहू के मायके से आई थी, सोचा नया है तो इसे ही पहन लेती हूँ, सुधा जी ने मुस्कुरा कर बोला। अरे नहीं सुधा, ये साड़ी तो मेरी स्टोर की है, ये लेटेस्ट 5 डिजाइनर साड़ी मैंने मंगवाई थी। रमन ही तो लेकर गया था उस दिन शाम को जब तुम्हारी बहू मायके जा रही थी, पड़ोसन मुस्कुरा कर बोली। ये वही पड़ोसन थी जिसका साड़ी का स्टोर मोहल्ले में ही था। सुधा जी को सुमन की झूठ पर अत्यंत क्रोध आ रहा था। किसी तरह उन्होंने सारे अतिथि को विदा दिया और फिर पूरा घर सिर पर उठा लिया। रमन भी माँ की साड़ी को पहचान चुका था और उसने भी स्वीकृति दे दी थी कि ये साड़ी वह सुमन के लिए लाया था। एक बार फिर सुमन के झूठी होने की बात सामने आ गई। सुमन रोए जा रही थी और सुधा जी अपनी आज की बेइज्जती से उबर नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने केक कटिंग का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था और अपने कमरे में जाकर सो गई। रोना बंद करो सुमन, आज तुम मुझे अपने झूठ बोलने की वजह बताओगी? क्यों तुमने अपनी सहेली की शादी के आमंत्रण के बारे में झूठ बोला?
क्यों तुमने अपने पांव टूटने की बात नहीं बताई और झूठ बोला कि तुम अपने मायके में कुछ दिन रहना चाहती हो? और क्यों तुमने माँ को झूठ बोलकर यह साड़ी दी कि तुम्हारी माँ ने उन्हें गिफ्ट किया है? रमन आज बहुत गंभीर होकर सवाल कर रहा था। रमन के पिता और उसके भाई बहन भी ये जानना चाहते थे। हाँ, मैंने झूठ बोला और आगे भी बोलती रहूँगी। अगर आप लोग मेरे मायके का इस तरह उपहास करेंगे, मैंने अपनी सहेली का आमंत्रण इसलिए छुपाया कि आप मेरे मायके नहीं जाएं। वहाँ जाकर आप उस वक्त कुछ नहीं बोलते और वहाँ से आने के बाद वहाँ के परिवेश का मजाक बनाते हैं। मेरे माता पिता अपने दामाद के स्वागत में हर वह चीज़ की व्यवस्था करते हैं जिससे उनके दामाद को कोई असुविधा न हो, कोई तकलीफ न हो, फिर भी वहाँ की चीज़ें आपको बुरी लगती हैं। आप हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि आप वहाँ अनकम्फर्टेबल हैं। यही वजह से मैंने अपने पैर में चोट की बात छुपाई। मुझे लगा दो चार दिन में आराम हो जाएगा, फिर वापस चली आऊँगी। अगर आपको गिरने की बात बताती तो आप वहाँ आ जाती, जो मैं नहीं चाहती थी। रही बात सासू माँ को झूठ बोलकर साड़ी देने की, तो उसकी वजह भी यही है, उपहास। वहाँ से भेजी गई कोई भी साड़ी माँ को पसंद नहीं आती, इसलिए आपसे झूठ बोलकर रेशमी साड़ी मंगवाई मैंने, ताकि माँ उस साड़ी को पसंद करके पहने। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं माँ का दिल दिखाऊँ। सोन बोलते बोलते रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी और बातें भी परिवार के सामने रखी, जिसमें यह भी था कि उसका मायका अगर सुविधा से पूर्ण नहीं तो क्या हुआ है। तो उसका मायका ना, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसका परवरिश हुआ, जहाँ उसको जान से ज़्यादा प्यारे माँ पिता का प्यार मिला, फिर वह उसे कम कैसे आँक सकती है। उसे भी यह ससुराल में एडजस्ट करने में परेशानी होती है, पर वह इन बातों को अपने माता पिता को नहीं बता सकती, क्योंकि इतने बड़े परिवार में ब्याह से पहले उसकी माँ की यही चिंता थी कि नए घर में उन लोगों के साथ क्या वह एडजस्ट कर पाएगी। सुमन बोलते जा रही थी और रोते जा रही थी। सुमन की बातें बहुत हद तक सही थी, जिसकी स्वीकृति वहाँ पर खड़े सारे लोगों की झुकी नज़र ने दे दी थी। कमरे के दरवाजे पर खड़ी सुमन की सास भी उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। तभी सुमन के ससुर जी बोल पड़े। सुमन जब रमन के साथ उसके परिवार को स्वीकार कर रहे, उन्हें अपना प्रेम दे रही है, तो फिर सुमन का परिवार इससे वंचित क्यों हो? विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवार का मिलन होता है, जिसमें एक दूसरे का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। अगर परिवार में रहन सहन का अंतर है तो सुमन को भी अपने आप को यहाँ के रहन सहन के अनुसार ढालना पड़ा है, जो उसने बखूबी किया है। कभी भी उसने अपने आप को असहज महसूस नहीं होने दिया। असहजता का अर्थ ही अस्वीकार होता है। अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं तो असहज नहीं हो सकते। आज के बाद मुझे इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ससुर जी के वहाँ से जाने के बाद सुमन अपनी सासू माँ की तरफ मुड़कर माफ़ी मांगने लगी, तो उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। घर के बड़े होने के कारण मुझे बच्चों और रमन को इस तरह के उपहास के लिए रोकना चाहिए था। मुझे खुद भी सोचना चाहिए था कि उपहार तो उपहार होता है, उसे स्टेटस से नहीं जोड़ा जाता। मैंने तुम्हारी हर सुख सुविधा को तुम्हारे मायके से जोड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं वचन देती हूँ, जिस तरह तुमने हमारे परिवार को स्वीकार किया, हम भी तुम्हारे परिवार को स्वीकार करेंगे। मैं एक स्त्री होकर कैसे भूल गई कि एक स्त्री का मायका उसके लिए कितना प्यारा होता है। अब रोना बंद करो बेटा। सासू माँ की बात सुनते ही सुमन ने झट से अपना आंसू पोंछ लिया और कहा, मैंने रोना बंद कर दिया माँ, और अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो प्लीज़ केक कट लीजिए। उसकी अचानक से इतने गंभीर मुद्दे से इस मुद्दे पर आने से सभी घर के सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। इस घुलती हंसी में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान का रंग था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? एक स्त्री होने के कारण आप भी सुमन की बात से ज़रूर सहमत होंगे। हम बहू की इज्जत करते हैं, उसे प्यार भी देते हैं, पर उससे जुड़ी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। ये सोचने वाली बात है। एक लड़की अगर अपने से आर्थिक कमज़ोर परिवार में भी जाती है तो उसे अपनाती है, स्वीकारती है, और अपने से मजबूत आर्थिक स्थिति वाले परिवार में भी खुद को एडजस्ट करती है। वह दोनों हाल में परिवार को जोड़ती है, अपने पति के साथ उसके परिवार को भी स्वीकारती है, तो फिर यही अपेक्षा वह अपने नए परिवार से क्यों ना करे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।